आप संख्या पद्धति का जो चैप्टर वन है अभ्यास ए का पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे पी या पान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी ये पूछा गया है कि शून्य जो है हमारी एक परिमेय संख्या है क्या। तो परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा कि परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी जिनको पी या पान क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू का मान जो है वो शून्य नहीं हो, क्यू मतलब हर, हर में शून्य ना हो, ठीक है। तब जीरो को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जीरो बटे वन लिख सकते हैं ना बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी की जगह क्या है जीरो और क्यू की जगह क्या है वन, तो क्या जीरो के बराबर है क्यू। यहाँ क्यू इक्वल टू वन डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अतः पूछा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो अतः हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसे p क्यों है, जिसमें लिखा है कि क्या इसके रूप में लिख सकते हैं, तो शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को शून्य बटे एक अर्थात p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इक्वल टू वन डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां q का मान जो है वो शून्य नहीं है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दो ये है कि तीन और चार के बीच कोई पांच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये बुक तो मुझे उपलब्ध नहीं हो पाई है, तो मैं उसका थोड़ा सा पार्ट मिला है मुझे बुक का, तो उसके क्वेश्चन जो मैं आपको टेक्स्ट के रूप में जो है वो भेज दूंगी, तो आप उसे जो है वो क्वेश्चन देख के नोट कर लीजिएगा। फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि आप इसको देख लें और समझ पाएँ। तो हमें दूसरा क्वेश्चन है, तीन और चार के बीच में कोई भी पांच परिमेय संख्याओं को हमें याद करना है। तो ये किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है ये बात की जाए, तो तीन और तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कई परिमेय संख्याएँ हो सकती हैं। अब इसके लिए कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो चूँकि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कितनी परिमेय संख्याएँ हमें ज्ञात करनी है। इसमें दिया हुआ है पांच परिमेय संख्याएँ ज्ञात करनी है, तो पांच में एक जोड़ेंगे, जितनी संख्याएँ ज्ञात करनी होगी उसमें एक जोड़ देंगे, बराबर छः। तो जो प्राप्त होगी संख्या, उस संख्या का हम दी हुई संख्याओं में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तब हमारे पास परिमेय संख्याएँ दूसरी ज्ञात हो जाएंगी। जैसे अतः तीन और चार में छः का ऊपर नीचे गुणा करने पर तीन गुणे छः बटे छः बराबर छः त्रिक 18 बटे छः और चार बराबर हो जाएगा चार गुणे छः बटे छः बराबर छः चौको 24 बटे छः। अब हम इन दोनों संख्याओं के बीच में 18 बटे छः और 24 बटे छः इन दोनों के बीच में पांच परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं, के बीच पांच परिमेय संख्याएं संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 19 बटे छः 20 बटे छः 21 बटे छः 22 बटे छः 23 बटे छः। तो ये हमारी
18/6 और 24/6 के बीच कितनी 5 परिमेय संख्याएं हो गई, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6। इस तरीके से हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में दूसरी अन्य परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक मेथड और है कि हमें जो संख्याएं दी हुई हैं जिनके बीच में संख्याएं ज्ञात करनी है उन दोनों का योग कर दें, ठीक है, जैसे 3+4 और उसका आधा कर दें तो 3 और 4 कितना हो गया, 7/2, ठीक है। तो ये जो है इसके बीच की एक पहली परिमेय संख्या हो गई। तो फिर इसके बाद जो ये संख्या मिली है उस संख्या 7/2 में 4 को जोड़ देंगे दूसरी संख्या को और फिर 2/2 कर दें। इस तरीके से ये प्रक्रिया कर करके हम जो है जितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उतनी कर सकते हैं। दो मेथड आपके सामने आ गए, एक तो जो जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें 1+ करके और उस जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका ऊपर नीचे जो है गुणा किया जाएगा और उनके बीच में उतनी परिमेय संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। और दूसरा मेथड है कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ करके और 2 से भाग कर देंगे तो जो हमारी एक संख्या आएगी वो इनके बीच की एक परिमेय संख्या होगी। इसी तरह से ये प्रक्रिया दोबारा करते जाएंगे। कब तक करते जाएंगे, जब जितनी हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है वहाँ तक।